स्टेप लेने की जा रहे हैं? देखिए, रेजोल्यूशन ला के क्या फायदा, जो कानून जो सारे देश के लिए एप्लीकेबल है, तो पश्चिम बंगाल तो भारत से अलग नहीं है। और ये रेजोल्यूशन लाना ही किस लिए, क्योंकि ये तो पश्चिम बंगाल के सुरक्षा के लिए है, आज असम के सुरक्षा के लिए है, त्रिपुरा मेघालय के सुरक्षा के लिए है। तो केंद्र सरकार जब ये स्टेप ले रहे हैं कि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर स्ट्रांग हो, तो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या ये नहीं चाहते हैं कि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर स्ट्रांग हो? ये नहीं चाहते है? क्यों नहीं चाहते है? तो प्रश्न ये आता है। तो वही मुझे लगता है और सबको ही को लगता है कि ये टीएमसी सरकार के साथ, ये दल के साथ, पार्टी के साथ स्मगलर और जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं उन लोग का कोई कनेक्शन है, उसीलिए वो नहीं चाहते। नहीं तो इसमें, और अगर रेजोल्यूशन लाने का क्या बात है, अब हर बातों बातों में आप अदालत जाते हैं, तो आप अदालत जाइए, कोर्ट जाइए, कोर्ट जाके आप देखिए क्या बोलते हैं कोर्ट। रेजोल्यूशन ये सरकार और ये पार्टी पॉलिटिकल फायदा लेना चाहते हैं, ये बोलना चाह रहे जो स्मगलर है कि हम आपके साथ हैं। और ये तो हमको मालूम है कि ये टीएमसी सरकार ये स्मगलर और ये अनुप्रवेशकारी और ये टेररिस्ट का साथ है, क्योंकि देखिए आज हम लोग सोचे थे कि ये एक इंडस्ट्रियल हब होगा। 2011 में जब टाटा चला सिंगूर से, तब हम लोग को ये था, दीदी ने बोले थे कि इंडस्ट्रियल हब होगा, तो इंडस्ट्रियल हब तो हुआ नहीं, टेररिस्ट हब हो गया। आसनसोल बोलिए, कलकत्ता बोलिए, मुर्शिदाबाद बोलिए, सोनारपुर बोलिए, हर जगह में टेररिस्ट, अलकायदा, खालिस्तानी, मुंगेर से आदमी लोग, ये सब मिल रहे, सो बांग्लादेश से ये सब सारे कुछ मिल रहे हैं। तो यही लगता है कि प्रॉबेबली माननीय मुख्यमंत्री और टीएमसी सरकार चाहते हैं कि ये सब हो, स्मगलर आए और इंटरनेशनल बॉर्डर। क्यों नहीं जमीन दिए? 631 किलोमीटर्स अभी तक केंद्र सरकार को जमीन नहीं दिया गया फॉर फेंसिंग, क्यों नहीं अभी तक दिए हैं? हर जगह में फेंसिंग हो गया है, आप लोग क्यों नहीं दिए हैं? अगर फेंसिंग होता तो कल का ये नहीं होता, कल का ये जो हुआ है घटना ये नहीं होता। तो ये सबके ऊपर भी सवाल खड़ा किया गया एमएलए की ओर से, उदयन गुहो ने कहा है क्या? देखिए, टीएमसी और टीएमसी का जो नेत्री है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, ये एक हैबिट है कि जो भी देश के लिए काम करे, वो बीएसएफ हो या आर्मी हो या एयरफोर्स हो या नेवी हो, उनके ऊपर सवाल खड़ा किया जाए जब भी वो लोग देश के लिए कुछ काम करते हैं। अब पुलवामा में भी जब घटना हुआ, 2-3 साल पहले कश्मीर में जब हुआ था, दीदी ने उठाया था कि क्यों ये हुआ है, प्रमाण चाहिए को। तो अभी भी वो ये कर रहे हैं, जब भी देश के, वो एक्चुअली दीदी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी का विरोधिता करते करते देश का विरोधिता कर रहे हैं। और आई डोंट नो, माने ये कैसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये तो उन्हीं को और उनका पार्टी को ही मालूम होगा। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार, मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी, कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।